ये बरसात जब शुरू हुई तकरीबन ये दो दिन दो रात तक ये कंटिन्यू चली थी, और इसी दौरान ये हुआ कि ये जो बंदे बैठे हुए थे गांव में, उनके जो घर कच्चे कच्चे थे, ये हवा जो चल रही थी, ये रेन जो चल रहा था वो हवा के साथ था, बहुत हवा, तेज़ हवा के साथ, इस वजह से बड़ी परेशानी भी हुई, और लोगों के बरसात के दौरान ही जो शेल्टर है वो गिरना शुरू हो गए, और लोग इतने बड़े परेशान हैं, उनको कोई जगह, तो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें इतनी नहीं थी कि भी इतनी बरसात पड़ेगी या ये होगा वो होगा, वो हमें पता नहीं था। वैसे हर साल होती है, उसी हिसाब से तो बंदे थोड़ा सा कुछ बंदोबस्त करते हैं, वो तो होता है, ये पड़ी होती है उसके ऊपर दे देते हैं ये, लेकिन ये जो बरसात थी ना ये तो सारे इस इंतजाम से बढ़ के थी, और इसमें तो किसी बंदे का कोई बस भी नहीं चल रहा था, और इसी दो दिन और दो रात वाली बरसात में ये हुआ कि ये सारे जो रास्ते थे, लिंक रोड्स थे, ये सारे तकरीबन दो दिन और दो रात कंटिन्यू बरसात में डूब गए। कोई कहाँ रास्ता बंदों को नहीं था कहीं जाने का, अगर कोई बीमार था तो उसको कोई असिस्टेंट देने वाला नहीं था। वैसे हमारी गवर्नमेंट जो है ना, उनको तो उनकी तो कोई प्लानिंग भी नहीं होती है,